अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती लोगों को तो वो बाहर क्यों जाते यहाँ पे अगर उनको नौकरी मिलती यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होते तो कोई बाहर जाकर के कि किसी मैडम से ऐसे जूते नहीं खा रहा होता हेलो एवरीवन वेलकम टू एन सी आज संडे थी सोचा कि आराम करेंगे ज़्यादा काम नहीं करेंगे वीडियोज़ कम करेंगे क्लासेज भी सारी ऑफ रहती है, तो पढ़ाई से भी हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं तभी स्क्रॉल कर रहे थे सोशल मीडिया और एक वीडियो दिख गई वीडियो देख के ऐसा दिमाग ख़राब हुआ ना आई एम श्योर कि आपने भी वो वीडियो अभी तक देख ली होगी एक महिला अगेन फिर से उसी नोएडा सेक्टर वन ये अलग सेक्टर है बट नोएडा की घटना है वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल को बहुत गालियाँ दे रही हैं अब ये वीडियो मैं यहाँ पे पिन कर दे रहा हूँ बट वहाँ पे वॉइस नहीं होगी उस वीडियो में ऑडियो नहीं होगी क्योंकि इतनी भद्दी गालियाँ दे रही है वो लेडी कि आप सुन नहीं पाएंगे एक्चुअली कोई भी सुन नहीं पाएगा आ, और किस बात पे दे रही है क्योंकि वो जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो बस आ, दो मिनट लेट हो गया गेट खोलने में तो वो महिला तो कार में बैठी थी ऑब्वियसली बड़े लोग हैं है ना आ, तो कार में बैठी थी और उसमें ऑब्वियसली बात है कि ए चल रही होगी लेकिन एसी में भी महिला इतनी गर्म हो गई अब जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं बेवजह ही गर्म हो रही हैं और बहुत सारे अपशब्दों शब्दों का इस्तेमाल करती हैं बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करती है उसको कितनी बार कॉलर खींचता खींचती हैं उस इंसान का और फिर लास्ट में एक वर्ड वो बोलती हैं कि संभालो इन बिहारियों को अब ये जो वर्ड मैंने सुना ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि वाई एवरी टाइम बिहारी आप किसी बिहार के रहने वाले को बिहारी कहो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम वहाँ तक ठीक है बिहार से हैं तो ऑब्वियसली बिहारी कहेंगे मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बिहारी कहते हैं और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मुझे बिहारी बोलेंगे हरियाणा के रहने वाले को हरियाणा भी बोलेंगे है ना उत्तर प्रदेश वाले को उत्तर प्रदेश वाले ही बोलेंगे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जब आप किसी एक क्षेत्र को आप एक गाली के तौर पर इस्तेमाल करने लग जाते हो बीग बिहारी इज नॉट अ गाली बींग बिहारी इज़ नॉट अ क्लास तो आप किसी ऐसे इंसान को आप डिमीन कर रहे हो आपको लग रहा है कि वो सिक्योरिटी पर्सनल है तो वो बिहारी ही हो सकता है क्यों बिहारी लोग अच्छी जॉब नहीं करते एंड कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है जितनी भी जॉब्स है ये सब मिल कर के इकॉनमी क्रिएट करते ये सब economy के पार्ट है तो कोई भी काम छोटा नहीं होता वो अपने आदमी अपने पोटेंशियल के हिसाब से करता है हो सकता है वो आपके जितना वेल पैसा उसके पास उतना नहीं रहा होगा उतना ज़्यादा वो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड विद क्या कहते हैं गोल्डन स्पून वो नहीं रहा होगा तो वो नहीं बन पाया वकील आप तो वकील हैं आपने तो अच्छी पढ़ाई करी होगी तो डिग्री ले लेना क्या मैनर आ जाता है डिग्री के साथ मैनर फ्री में नहीं बढ़ता मैडम ये वीडियो देख करके साफ साफ पता चल रहा है कि आपके संस्कार किस तरीके से हैं आपके घर वालों ने क्या संस्कार आपको दिए होंगे अगर खुदा खास्ता अगर उन्होंने आपके माता पिता अच्छे हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं लेकिन आपने ये संस्कार कहाँ से लिए हमारे आ, समझ से तो परे हैं तो बुरा तब लगता है जब लोग गाली के तौर पे शब्द का इस्तेमाल करने लग जाते हैं आपको कैसे पता कि वो सारे के सारे सिक्योरिटी पर्सनल से बिहार के ही रहे होंगे तो आपने ये बिहारी शब्द क्यों इस्तेमाल किया आपको क्या लगता है कि बिहारी एक क्लास होता है और आपको क्या लगता है डिग्री ले लेने से ऊँचे अपार्टमेंट्स में रह लेने से गालियाँ बोल लेने से आप अपना क्लास शो कर रही हैं क्लास वैसे नहीं दिखती मैडम क्लास दिखती है मैनर से क्लास दिखता है संस्कार से कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं दूसरों के साथ क्लास उसको कहते हैं बहुत बहुत बुरा लगा और बुरा इस बात का भी लगता है कि हमेशा जहाँ कहीं भी देखो तो ये हमेशा मर्द क्यों पिटते रहते हैं आपको लखनऊ वाली घटना याद होगी वहाँ पे एक लेडी ने जबकि गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाया था वहाँ से उतर करके नजर ने कितने चाटे मार दिए उछल उछल के उसके बाद कल होकर के न्यूज़ में वो आ, अपने इंटरव्यू देती फिर रही थी अभी कुछ दिन पहले किरण नाम की एक लेडी ने एक मिनट में सत्रह थप्पड़ मार दिए एक आदमी को आदमी चुप रह जाता है क्योंकि आदमी में सहन शक्ति होती है लोग कहते हैं कि सिर्फ महिलाओं में बहुत सहन शक्ति होती है मर्दों में भी तो है आप कर कर तो रहे हैं आप लोग प्रूफ नहीं बोलते इसका क्या मतलब नहीं इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सच में मर्द है अगर उन्होंने लेडी पे हाथ उठा दिया लेडी का कॉलर पकड़ लिया तो फिर वो उनकी उसमें मर्दानगी नहीं है वो इस बात को समझ रहे हैं जबकि वो आपके जितना पढ़े लिखे नहीं है अब इतनी भद्दी भद्दी वहाँ पे गालियाँ दे रही हैं ये अभी कुछ देर पहले उनकी एक और वीडियो मैंने देखी कि नोएडा पुलिस इनको डिटेन करके ले जा रही है ऐसे कौन डिटेन करता है भाई पुलिस वाला बगल में बैठा है और वो लेडी ड्राइव कर रही हैं पुलिस की गाड़ी किधर गई क्या ये लेडी श्रीकांत त्यागी नहीं है अभी कुछ दिन पहले मैंने श्रीकांत त्यागी पे भी वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से ये पावर ड्रंक लोग जो होते हैं जो बिल्कुल पैसे के नशे में एकदम चूर होते हैं वो कैसे दूसरे के दूसरों के आत्मसम्मान के साथ खेलने में एक मिनट का भी टाइम नहीं लगाते ये लेडी भी वैसी ही है और जब आप वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि ये महिला ने पी भी रखी है तो ये महिला एब्यूज़र भी है ये महिला एल्कोहलिक भी है ये महिला मोलेस्टर भी है ये महिला रेसिस्ट भी हैं कहाँ है, कहा है संविधान का आर्टिकल 15 कहाँ है डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं हो रही है आई एम डैम श्योर कि ये महिला कुछ ही दिन में आई डोंट नो कि ये कुछ दिन हवालात में रहेगी भी नहीं रहेगी मुझे नहीं लगता है क्यों क्यों आप किसी के आत्मसम्मान के साथ खेल सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है और वो सिक्योरिटी पर्सनल है इसलिए आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं आप ये बात भूल क्यों जाती है कि वही सिक्योरिटी पर्सनल है ताकि जिसकी वजह से आप सिक्योर्ड हो उस अपार्टमेंट में आपकी चीज़ें सही सलामत है आपको तो थैंक्स बोलना चाहिए ना उनको आप ये कैसे थैंक्स बोल रही हैं मैं अभी बिल्कुल ज्ञान नहीं दूंगा कि बिहारी बोला तो बिहार के का मैं बखान करने लग जाऊंगा कि महात्मा बुद्ध महावीर नानक एनौल की ये सब बिहार से जुड़े थे बिहार ने ये किया वो किया बिल्कुल नहीं ये बात सबको पता है हिस्ट्री सबको पता है बिहार कैसे एक अभिन्न हिस्सा रहा है भारत का ये सबको पता है अगर मैं ये बोल दूं कि बिहार ही भारत था तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि अशोका ने तो कहां कहां तक शासन किया है पश्चिम से लेकर के पूरब तक सबको पता है भारत तो अभी बना तो अब कैसे किसी को बिहारी बोल करके एज ए गाली उसको यूज़ कर सकते हो आप जिस कोर्ट में वकील हो ना आई डोंट नो कि आप वकालत करती भी हो कि नहीं एक तो सरकार को सबसे पहले ना ये प्राइवेट कल्चर बंद करना चाहिए ये जो लोग पैसे देख करके प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ले, ले लेते हैं मेडिकल कर लेते हैं और ये वकालत कर लेते हैं और ख़ुद को प्रोफेशनल समझने लगते हैं ये सब बंद होना चाहिए जब इनको पढ़ना पड़ेगा ना दिन रात जब एक एक मार्क्स से आधे आधे मार्क्स से पॉइंट जीरो वन मार्क से इनका कट ऑफ मिस होगा ना तब इनको पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है पैसे से तो कुछ भी खरीदा जा सकता है पैसे से तो चांद पे भी जाया जा सकता है ये प्राइवेट कल्चर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए तब देखते कि आप वकाल, वकालत कर भी पाती कि नहीं कर पाती या फिर बस नाम का डिग्री आपने ले रखा है बहुत सारे मे, मेरे जानने वाले लोग हैं बस जिन्होंने बस नाम का डिग्री ले रखा है बुरा लगता है अभी कुछ बोलने के लिए है ही नहीं बस मेरी यही दरख्वास्त है कि जो कुछ भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था और आदमी को मैनरिज्म आदमी के अंदर पता नहीं कब आएगा दिन प्रतिदिन लोग अपने जितने भी मैनर्स हैं सब खोते जा रहे हैं पूरे इंडिया में आप किसी से भी बात कर लो किसी भी स्टेट के लोग से बिहारियों के बारे में बात कर लो सब कुछ अच्छा ही बोलेंगे मैं बिहारी लोगों से भी ये अपील करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे कुछ गिने चुने छपरियों के बोलने से आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड मत होइएगा अगर सौ लोग हैं ना एक अगर आपको ऐसा बोलते तो निन्यानवे लोग ऐसे होंगे जो बिहारियों की तारीफ करेंगे उनके मेहनत ही होने की तारीफ करेंगे उनके इंटेलिजेंस की तारीफ करेंगे बिल्कुल दिल टूटता है जब ऐसे बिहेव करते हैं हमारे लोगों के साथ हम तो पूरे इंडिया को अपना समझते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के लोग मेडल जीते या नॉर्थ ईस्ट के लोग मेडल जीते या दिल्ली के लोग मेडल जीते हम बिहारी बहुत खुश रहते हैं इंडिया के लिए मेडल आया है वहाँ के लोग वहाँ के लेकर आए हैं वहाँ के लोग वहाँ के लड़के वहाँ के लड़कियाँ लेकर आए फिर हम अपनी सरकार से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ करें और कहीं ना कहीं सब में हमारी सरकार तो बहुत ज़्यादा दोषी है ये जो सत्ता का यहाँ पे खेल चलता है ना इन सब के वजह से ये हुआ है अगर यहाँ पे ऑपरचुनिटीज़ मिलती लोगों को तो वो बाहर क्यों जाते यहाँ पे अगर उनको नौकरी मिलती यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होते तो कोई बाहर जा कर के किसी मैडम से ऐसे जूते नहीं खा रहा होता किसी और अपार्टमेंट में जाके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं कर रहा होता कर लो तुम लोग बस जाती 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 कर लो बाहर कोई जाति बदनाम नहीं होती है वहाँ पे उस सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पे ये नहीं बोला कि तुम कुर्मी हो तुम ब्राह्मण हो या तुम चमार हो नहीं बोला वहां पे नहीं ये बोला कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो वहां पे किसको बोला बिहारी को तो तुम अपने राज्य में अलग अलग हो सकते हो अपनी कम्युनिटी में अलग अलग हो सकते हो बट आउट ऑफ बिहार तुम बिहारी ही हो ये बात यहाँ की गवर्नमेंट जब तक नहीं समझेगी कुछ नहीं होना है फिलहाल मैं बस इतना ही कहूँगा कि बिहारी क्लास नहीं है बिहारी गाली नहीं है उसको गाली की तरह इस्तेमाल मत करिए आप किसी बिहारी को बिहारी बोलिए सही अच्छी बात है लेकिन अगर आप एज अ गाली बोल रहे हैं ना तो ये बहुत गलत है आप जिस कोर्ट में वकील हैं ना उस कोर्ट का जो चिट्ठा उठा करके देख लीजिए वहाँ के जो जज होंगे ना उन जज के पैनल में आपको दो से तीन बिहारी मिल ही जाएंगे या फिर इस भारत के किसी भी कोर्ट का पैनल उठा करके देख लीजिए आपको बिहारी जज मिल जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे है ना पुलिस वहाँ पे है ना उसमें भी बिहारी आपको मिल जाएंगे इकोनॉमी के हर क्षेत्र में यहां पे योगदान दे रहे बिहारी चाहे वो कोई छोटे से छोटा पोस्टमैन हो छोटे से छोटा सिक्योरिटी पर्सनल हो या बड़े से बड़ा अफसर हो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी सजा जरूर मिले कि आपकी अकल ठिकाने आ जाए आप किसी को पह, आगे इस तरीके से अब्यूज करने से पहले दस बार सोचे फिलहाल मेरे इस वीडियो में इतना ही जय हिंद